देख रहे हैं प्राइम पोस्ट हेल्थलाइन और आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं जीएमसी प्रिंसिपल अनंतनाग, जिनसे हम जानेंगे कि चाहे कोई भी दिन हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी के रिलेटेड हो या किसी और डिपार्टमेंट, तो इनसे हम जानेंगे कि कितना ज़रूरी होता है ये डे मनाना और इसका मकसद क्या है। क्या अस्सलाम वालेकुम, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पे मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कहा जाता है जान है तो जहान है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और एक्सरसाइज करना हर एक बंदे का एसेंशियल है, चाहे वो सेहतमंद हो या बीमार हो। कहा जाता है कि 40 मिनट दिन में हर रोज़, हफ्ते में कम से कम 3 दिन एक ज़रूरी है एक इंसान के लिए चुस्त तंदुरुस्त होने के। अब रही फिजियोथेरेपी की बात, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दवाइयों से नहीं ठीक होते, जिसके लिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। और फिजियोथेरेपी से देखा गया है कि ऐसी वो तकलीफें जो दवाइयों से सालों साल तक नहीं ठीक होती, फिजियोथेरेपी से 2-3 हफ्ते में ही ठीक होती है। अब रही बात कि क्या हमारे पास अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी के फैसिलिटीज हैं, क्या ट्रेंड स्टाफ है। हमारे डिपार्टमेंट में एक एस्टेब्लिश्ड फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, वहाँ तमाम आलात हैं जो कि एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरत हैं। मैं तमाम साउथ कश्मीर के पेशेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनको भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, चाहे भी कोई भी जूस बैठे हुए हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम इसके अलावा भी और भी बात करें, क्योंकि ये नोबल प्रोफेशन माना जाता है और आप एक जिम्मेदार ओहदे पे भी फाइज हो, आप साउथ कश्मीर का जीएमसी आप ही संभाल रहे हैं, लेकिन कहीं पे लोगों की शिकायतें या हम ये कहीं पे देखा भी जा रहा है कि एटीट्यूड में काफ़ी डिफरेंस देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स और पेशेंट में थोड़ा गैप बढ़ता जा रहा है, तो क्या वजह है इसकी और डॉक्टरों का एटीट्यूड कैसे होना चाहिए मरीजों के प्रति। डॉक्टर पेशेंट रिलेशन है, ये लाइफ टाइम रिलेशन होता है। जब तक दोनों से एक मर जाएगा तब ये रिलेशन ख़त्म हो जाती है। और डॉक्टरों को चाहिए कि डॉक्टरों मरीज का दर्द अपना दर्द समझ लेना कि ये मरीज तड़प नहीं रहा है, ये हमारा अपना भाई बहन माँ बाप दादा नानी इन तड़प मरीज दर्द से तड़प रहा है, इनको हमारी राहत की ज़रूरत है, इनको हमारी हेल्थ की ज़रूरत है, इनको हमारी दवाई की ज़रूरत है, इनको हमारी सर्जरी की ज़रूरत है। और अगर 2-4 मीठी बातें पेशेंट के साथ अच्छी तरह सलूक से की जाए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, ज़रूरी है कि कुछ डॉक्टरों की तबीयत जो है वो कुछ ऐसी है, डॉक्टरों के पेशेंट उनके साथ अच्छा सलूक नहीं दें, आप हमारे को आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनको भी हम काउंसलिंग करेंगे। कि ये नोबल प्रोफेशन है, ये हमारा प्रोफेशन लोगों की खिदमत के लिए है, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है। शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, अगर देखा जा रहा है जो यहाँ के पेशेंट बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि आप स्टोरी से वापस कर, उनका कहना है कि वहाँ का मैनेजमेंट एक होता है, एक निज़ाम के तहत चलता है कि उनको वहाँ पे कतार पे खड़ा नहीं रहना पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी कि वो चीज़ें जो वो बाहर देख के इम्प्रेस होते हैं, वहाँ मुतासर होते हैं, वहाँ पर यहाँ पर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती। मैं आपको अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ऑप्थल्मोलॉजी। यहाँ साउथ कश्मीर में सब उठ के अमृतसर जाते थे, बट जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया वो रास्ता कट गया, अमृतसर का रास्ता उन लोग पेशेंट्स के लिए कट गया, क्योंकि हमने जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे रखी हुई हैं, चाहे फेको की है, रेटना फैसिलिटीज की है, कॉर्निया की फैसिलिटीज़ है, या वो इंजेक्शन लगाने के लिए अमृतसर जाते थे जहाँ उनको लाखों रुपया से लूटा जाता, हम वही चीज़ें अब हमारे अस्पताल में मैसर हैं। इसी तरह बाकी चाहे सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स है, गायनी है, पीडियाट्रिक्स है, हम कोशिश कर रहे हैं कि फैसिलिटी साउथ कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि पेशेंटों को बाहर रेफर ना कर किया जाए। हमारी यही कोशिश है कि पेशेंटों को एट ग्रास रूट लेवल द बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दें। और यहाँ के जो मैम आपको वसूख से बताता हूँ कि यहाँ के हमारे डॉक्टर साहब काबिल से काबिल तरीन डॉक्टर साहब हैं, इनके काम में कोई
कमी नहीं है, इनका काम तो सराहा ना जाए। इनकी जितनी भी तारीफ डॉक्टर साहिबान की, पैरामेडिक्स की, नर्सिस की, स्टाफ की जितनी भी तारीफ की जाए वो भी कम है। इसलिए मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि इंशाल्लाह विद इन सिक्स मंथ्स कोई रेफरल नहीं होगा। वर्किंग एनवायरनमेंट इम्प्रूव करना है। वर्किंग एनवायरनमेंट जब तक इम्प्रूव नहीं होगा पेशेंट इम्प्रेस नहीं होगा। डॉक्टर पेशेंट रिलेशन इम्प्रूव करनी है और रिजल्ट्स फाइनली जो पेशेंट देखता है कि क्या मेरा रिजल्ट अच्छा आया। अगर कहा जाता है अगर एक पेशेंट ठीक हो जाता है तो वो सिर्फ दूसरे एक ही पेशेंट को वापस ला साथ लाता है, और अगर एक पेशेंट खराब हो जाता है तो वो 10 को साथ ले जाता है। इसलिए जब तक रिजल्ट्स अच्छे नहीं हो पेशेंट्स यहाँ टिकेंगे। नर्स साहब, ये आपने बात की जो डॉक्टरों का रोल है, लेकिन पेशेंटों का रोल आप क्या समझते हैं? आजकल के जो पेशेंट्स हैं इनकी एक्सपेक्टेशन हद से ज़्यादा है। इनका क्या है कि इसी दम आओ, इसी दम इलाज, इसी दम इन्वेस्टिगेशन, इसी दम सर्जरी, इसी दम ऑपरेशन। हालांकि हमने ये बिल्कुल ये जो डेट्स थे जो सालों साल डेट्स थे 2023 में 2024 में डेट्स जाते थे ऑपरेशंस के लिए या टेस्ट्स के, हमने बिल्कुल मिनिमाइज किया। अगर आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन देखते हैं विद इन 3 आवर्स में, चाहे वो हेमेटोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, विद इन 3 आवर्स आपको इन्वेस्टिगेशंस का टेस्ट हाथ में दिया जाता है, और उसके बाद जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनका जल्द अज जल्द हम आपको डेट देते हैं। इस वक्त हमारे पास मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने का डेट है जो कुछ भी है।